लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विष्णु को पुकारते हैं, वहीं सच्ची हरि आराधना में लगे मनु शत्रुपा की तप शक्ति के सन्मुख असुर स्वयं आहत होकर भागते हैं। ऋषि मुनियों पर निरंतर अत्याचार की सूचना पाकर सम्राट प्रियव्रत प्रतिज्ञा करते हैं कि वे पृथ्वीलोक पर शांति स्थापित करेंगे। प्रियव्रत के प्रहारों से आहत असुर
जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर दैत्य शत्रु होने का आरोप लगाते हैं, तब क्रुद्ध शुक्राचार्य उन्हें अपमानित कर पाताल लौटा देते हैं। शुक्राचार्य के आह्वान पर पधारे शनिदेव दैत्य गुरु को प्रताड़ित कर स्वयं प्रियव्रत को दंडित करने की घोषणा करते हैं, किंतु श्री हरि विष्णु अपने अमोघ अस्त्र के द्वारा शनिदेव को आहत कर प्रियव्रत की जीवन रक्षा करते हैं। मेरे मस्तक को थामे शनिदेव। आप अपनी इसी कुदृष्टि से संसार को अपने चरणों में झुकाने का दंभ भरते थे शनिदेव। मुझे अपमानित ना करो राहू। अपमानित ना करूं तो क्या करूं? आपकी कुदृष्टि से भयानक तो मेरी शक्ति है। जब मैं सूर्य चंद्र को ग्रस कर उनका तेज खंडित करता हूं, तब किसी विष्णु का साहस मुझे रोकने का नहीं होता। राहू, उच्च स्वर में चिल्लाना मुझे भी आता है शनिदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पश्चात आपका भी अहंकार ध्वस्त हो गया। अब मैं दैत्य शत्रुओं को स्वयं समय आने पर दंडित करूंगा। तुम क्या अपने कटे हुए मस्तक से अस्त्र चलाओगे राहू? जाए अपने पिता सूर्यदेव से जाकर पूछें कि राहु का कटा हुआ मस्तक कहां कहां से अस्त्र चलाने में सक्षम है। ये कार्य यदि मात्र मैं करता तो। पुत्र शनि, जगदीश्वर भगवान विष्णु के भक्तों से शत्रुता करके तुम अपने सर्वनाश को निमंत्रण दे रहे हो। मुझे आपके परामर्श की आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव। पुत्र शनि, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा परम हितैषी हूं। पुत्र, तुम राहु जैसे कुटिल प्रवंचक तथा पिता के शत्रुओं को मित्र बनाकर अपनी कीर्ति और यश का नाश कर रहे हो। सावधान सूर्य, यदि तुमने मुझ पर आक्षेप किया तो मैं तुम्हारी कीर्ति और यश का नाश कर दूंगा। तू क्या मेरी कीर्ति और यश का नाश करेगा प्रवंचक? मेरा तेज क्षण मात्र में तुझे भस्म कर सकता है। वो तो मैं तेरे अमृत पान की मर्यादा रखने के कारण तुझे क्षमा कर देता हूं। अपने गौरव यश कीर्ति का नाश करने वाले को क्षमा कर देने वाला मैंने आपके अतिरिक्त दूसरा नहीं देखा। इन दुष्टों के साथ रहकर तुम धर्म नीति और मर्यादा का पालन करना भूल गए। नहीं, अपमानित होकर जीवित रहने से तो उचित है मृत्यु को स्वीकार कर लेना। जगदीश्वर भगवान विष्णु के अमोघ अस्त्र के सम्मुख आज तुम दोनों का भयानक अपमान हुआ है। सूर्यदेव, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। अपमान की धधकती हुई ज्वाला में जलते हुए शनि की प्रतिज्ञा भी सुन ले कि समय आने पर मैं विष्णु का इतना ही घोर अपमान करूंगा जिससे विष्णु सारे संसार में कलंकित हो जाएगा। ना शनि ना, केवल अहंकारवश ऐसी भयानक प्रतिज्ञा करना उचित नहीं है। उचित अनुचित की शिक्षा शनि को नहीं देना सूर्यदेव। शनि स्वतंत्र है, शक्तिशाली है। तो जो इच्छा हो वो करो। मैं अभागा पिता तुम्हें कल्याण का आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। इस समय सूर्य के प्रकट होने के पीछे याद है किसकी प्रेरणा थी? किसकी? उसी जगदीश्वर विष्णु की। अर्थात हमारा क्रोध भड़क कर कहीं प्रतिशोध का रूप न धारण कर ले। इसी कारण विष्णु ने आपके पिता और अपने चाटुकार सूर्य को हमारे समीप भेजा। किंतु इसका परिणाम तो और भी अधिक भयानक हो गया राहु। अब मैं संसार को
अपनी भयानक शक्ति का आभास करवा के ही रहूंगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। भृगु पुत्र शुक्राचार्य की विनती सुने कैलाश पति। भगवान कैलाश पति तथा माता पार्वती की जय। शान, हमारे बिना बुलाए यहां आने का प्रयोजन क्या है भृगु पुत्र? मैंने अपने महान पिता महर्षि भृगु की आज्ञा के अनुसार आपको अपना आराध्य स्वीकार किया है। यह असत्य है शुक्राचार्य, तुमने सच्चे मन से हमें अपना आराध्य स्वीकार नहीं किया है। यह आप क्या कह रहे हैं कैलाश पति? सत्य कह रहा हूं, इसके एक नहीं अनेक कारण है। तनिक स्पष्ट करें महेश्वर। सुने शुक्राचार्य, सर्वप्रथम कारण तो यह है कि जो भक्त अपनी भक्ति की घोषणा करता है वो सदा हमारी दृष्टि में संदेहास्पद बना रहता है। भक्ति की घोषणा? हाँ शुक्राचार्य, अनेक भक्त हमारे चित्रों हमारी मूर्तियों को अपने प्रासादों में स्थापित कर हमारे लघु चित्रों को अपने शरीर में धारण कर भभूत मल कर हमारी परम भक्ति का भ्रम उत्पन्न करते हैं। इस सत्य से तो अब तक मैं भी अपरिचित थी स्वामी। वस्तुतः उनके स्वांग में भक्ति के स्थान पर अहंकार की संतुष्टि ही प्रमुख रहती है। भक्ति और अहंकार तो दो विपरीत तत्व है महेश्वर। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अनेक व्यक्ति इन दोनों विपरीत तत्वों का प्रयोग एक साथ करने में भी भयभीत नहीं होते। स्वामी, आप सृष्टि के समस्त कारणों के भी कारण हैं। आपकी गूढ़ भाषा तथा संकेतों को समझना असंभव है। तनिक सरलता से अपना कथन स्पष्ट करें। नियंता ने अभी तक किसी ऐसे गूढ़ संकेतों अथवा भाषा का निर्माण ही नहीं किया जो तुम्हारी बुद्धि से परे हो देवी पार्वती। किंतु किसी व्याख्या को आपके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य भला मैं कैसे छोड़ दूं? हम तुम्हारे स्वभाव से अपरिचित नहीं है देवी पार्वती। तो मेरे पूछने से पूर्व ही मुझे बताएं कि भक्ति और अहंकार का प्रयोग एक साथ कौन करता है? इसका एक प्रमाण तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रूप में हमारे सम्मुख ही खड़े हैं। भोलेनाथ, इस परम सत्य को सुनकर चकित ना हो दैत्य गुरु। अहंकार संतुष्टि के लिए आप जैसे व्यक्ति भक्ति को ही साधन बना लेते हैं। देवी पार्वती, इनके प्रासादों में हमारी मूर्ति जितनी विशाल होगी, चित्र जितना सुंदर होगा, घोषणा जितनी तीव्र होगी, भक्ति से उपजा इनका अहंकार उतना ही अधिक संतुष्ट होगा। हाँ स्वामी, अहंकार को मन की संतुष्टि से अधिक दूसरे की प्रतिक्रिया देखने में आनंद प्राप्त होता है। हाँ देवी पार्वती, जब लोग इनके द्वारा स्थापित मूर्ति चित्र अथवा इनकी भक्ति की प्रशंसा करते हैं तब इनका अहंकार संतुष्ट होता है, आनंदित होता है। ये सत्य नहीं है कैलाश पति। हमने सच्चे मन से आपको अपना आराध्य स्वीकार किया है। यदि यह सत्य होता तो तुम हमारे आदेश की परामर्श कहकर अवहेलना नहीं करते शुक्राचार्य। सत्य तो ये है भोलेनाथ कि आपके आदेश के पश्चात भी हमारे मित्र शनिदेव और राहु ने हमें पाताल लोक जाने को विवश कर दिया था। शुक्राचार्य, यदि तुम कुसंगति और स्वार्थी मित्रों के कारण विवश होते रहे तो तुम्हें दैत्य गुरु कहलाने का क्या अधिकार है? तुम दैत्य के हित का नहीं सर्वनाश का कार्य कर रहे हो। अब जब तक तुम्हारे मन में हमारी सच्ची भक्ति जागृत न हो तब तक
कैलाश आने का कष्ट न करना। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रही हो देवी बहिष्मती? आकाश के सूर्य देव के साथ अपने मन मंदिर के सूर्य को भी देख रही हूँ स्वामी। उस सूर्य की भांति इस सूर्य को भी अनेकानेक कार्य पूर्ण करने हैं। ये क्या, ये अंधकार क्यों? यदि अंधकार ना होगा तो रजनी का सौंदर्य कैसे व्यक्त होगा? अंधकार से सौंदर्य का कैसा संबंध? संबंध है स्वामी, यदि अंधकार ना होगा तो सौंदर्य भी नहीं होगा। अर्थात? अर्थात सौंदर्य का जन्म ही गहन अंधकार के मध्य होता है। तुम परिहास कर रही हो देवी। ये परिहास नहीं, सत्य है प्रिय। कवि के गहन अचेतन में कविता का जन्म होता है, एक चित्र का जन्म होता है चित्रकार के हृदय की अटल गहराइयों में, समाधि का जन्म, भक्ति का जन्म, ध्यान का जन्म, ये सब भी तो गहन अंधकार के मध्य ही होते हैं। एक बीज फूटता है तो भूमि के भीतर गहन अंधकार के मध्य। तुम तो दार्शनिकों की भाषा बोल रही हो, ऐसी भाषा सुनकर आनंद आ गया। मैं निरंतर यही सोचता रहता हूं, परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि संरचना का अपूर्ण कार्य जो मुझ पर छोड़ रखा है वो क्या है? आपको पृथ्वी लोक और समुद्र की सीमाओं की पुनर्रचना करनी है। स्वयं देवऋषि नारद ने बार बार इसका उल्लेख किया था। पृथ्वी की सीमाएं तो समुद्र से जुड़ी हैं। उसकी पुनर्रचना किस प्रकार की जा सकती है? मनुपुत्र प्रियव्रत, बहिष्मती, परमपिता प्रणाम। तुम्हारे जीवन में वो अवसर आ गया है जब तुम अपने पराक्रम, बाहुबल एवं चातुर्य से पृथ्वी के सप्त खंड और सप्त समुद्रों की रचना करो। ये कार्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से हमने सृष्टि रचना के समय तुम्हारे लिए ही अपूर्ण छोड़ रखा था। परमपिता। अपनी बात निसंकोच कहो मनुपुत्र प्रियव्रत। ये सौभाग्य मुझे ही क्यों परमपिता? तुम्हारे जन्म के पूर्व ही तुम्हारे माता पिता के श्रेष्ठ धार्मिक संस्कारों के कारण ही ये महान कार्य तुम्हारे लिए निश्चित किया गया था। अहो अहो परमपिता, मैं धन्य हो गया। प्रियव्रत, तुम्हारे इस महान कार्य में देव शिल्पी तथा देवी बहिष्मती के पिता विश्वकर्मा जी तुम्हारी अद्भुत सहायता करेंगे। तुम दोनों पूर्ण आस्था से देव शिल्पी का आवाहन करो। पुनः आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आपकी आज्ञा पूर्ण करना मेरा धर्म एवं प्रथम कर्तव्य है। तुम दोनों का कल्याण हो। देव शिल्पिन विश्वकर्मन देव दर्शनार्थम अहम् आवाहयामि। अहम् आवाहयामि। अहम् आवाहयामि। सम्राट प्रियव्रत, पुत्री बृहस्पती। प्रणाम पिताश्री।
असमय आपको कष्ट देने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। असमय नहीं, इस अवसर की प्रतीक्षा मैं युगों से कर रहा था। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा से आज वो शुभ मुहूर्त आ ही गया। इन्हें आपके आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता है पिताश्री। पुत्री बृहस्पति, जिस कार्य को सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने स्वयं पूर्ण करके तुम्हारे स्वामी और हमारे जामाता प्रिय व्रत को श्रेय प्रदान किया, ये उसके वास्तविक अधिकारी हैं। इस महान कार्य में सहयोग करना हमारे लिए गौरव का विषय है। पुत्र प्रियव्रत। आज्ञा पिताश्री। परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से हमने तुम्हारे लिए एक दिव्य आसन एवं एक दिव्य खड़क का निर्माण किया है। दिव्य आसन दिव्य खड़क सम्राट प्रियव्रत, यह दिव्य आसन मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। प्रियव्रत, यह दिव्य खड़क भी ग्रहण करो। लो, और परम पिता ब्रह्मा जी के द्वारा सौंपा हुआ यह कार्य पूर्ण करो। इस दिव्य आसन पर आसीन होते ही तुम दोनों को संपूर्ण पृथ्वी का जल व भूमि भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और इस खड़क से निकला हुआ दिव्य प्रकाश तुम्हारी इच्छा अनुसार पृथ्वी माता के खंड खंड कर देगा। अद्भुत। इस कार्य की सफलता के लिए त्रिदेव और समस्त ग्रह नक्षत्रों की कृपा तुम्हारे साथ है। किंतु क्या पिताश्री? दिव्य आसन पर आसीन होने के पश्चात तथा कार्य आरंभ होने के पूर्व माता पृथ्वी की कृपा अवश्य प्राप्त करना। जो आज्ञा पिताश्री। तुम दोनों का कल्याण। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन, तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। दीक्षा ज्ञान की, तुमसे ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की। नमः शिवाय। नमः